हेलो स्टूडेंट, आ जा। पाठ 5 इब्राहिम गांधी पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। और मैं रीडिंग करूंगी, साथ साथ मेरे साथ आप भी रीडिंग करेंगे और इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इब्राहिम गांधी, इसके लेखक श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और मैं बता दूं इस पाठ में कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो मराठों और इब्राहिम गांधी और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें लड़ाई के अंत में इब्राहिम गांधी को घायल होने के बाद बंदी बना लिया गया था और अंत में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उस समय की ये घटना है जो इस पाठ में बताई गई है, जिसे आज आप समझेंगे। तो देखिए, सन 1971 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गांधी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। जब 1971 में पानीपत का युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए, तो जो मराठों का सेनापति था इब्राहिम गांधी, वह अंत तक लड़ता रहा और अंत में घायल हो गया। घायल होने के बाद उसे अहमद शाह के अब्दाली सैनिक जो थे, वो उन्होंने उसे बंदी बनाकर अपने घर, अपने पास, अपने अब्दाली के पास ले गए। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गांधी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रखा गया था। अब शुजाउद्दौला जो था वो अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था और उन्होंने इब्राहिम गांधी को बंदी बनाकर अपने ही टीले पर रखा हुआ था। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। अब्दाली जो था वो इब्राहिम से बहुत ही घृणा करता था। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था। अब जब उसे इब्राहिम को बंदी बनाकर शुजाउद्दौला के छावनी के टीले पर रखा गया था, तो अब्दाली को उसका समाचार मिल गया था। तब उसने क्या किया, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। उसने शुजाउद्दौला के पास अपना दूत भेजा और कहा कि तुरंत इब्राहिम गांधी को उसके सामने पेश किया जाए। शुजाउद्दौला इब्राहिम गांधी की उपस्थिति से इनकार ना कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। तो शुजाउद्दौला ने जवाब भेजा उस दूत के हाथ कि इब्राहिम गांधी अभी बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में, वो उठने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो मैं उसे तुरंत पेश कर दूंगा। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो चुका है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पर जाना होगा। तब उस दूत ने जवाब दिया कि अब्दाली का ये आदेश है कि गांधी को इसी वक्त पेश किया जाए। शुजाउद्दौला का प्रतिपाद क्षण छीण पड़ गया, फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति है, इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। अब शुजाउद्दौला अपना अनुरोध व्यर्थ जाता देखकर कहने लगा कि इब्राहिम गांधी जो है वो 10,000 सैनिकों का सेनापति है और वो इतनी घायल अवस्था में है, कम से कम उसे इस घायल अवस्था में तो नहीं बुलाना चाहिए। फिर भी दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अब शुजाउद्दौला क्या करता, अब्दाली का आदेश था इसलिए उसे इब्राहिम गांधी को अब्दाली के सामने पेश करना ही पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गांधी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटन के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? उन्होंने कहा, सही। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? इब्राहिम ने कहा, क्योंकि निजाम के रवैयों को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? फिरंगी मीन्स अंग्रेजों की जबान भी पढ़ी, मतलब तुमको क्या अंग्रेजों की भी भाषा आती है? इब्राहिम ने कहा, जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ते हो, फिर मराठों की नौकरी भी की? खैर, अब तक जो कुछ भी तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तौबा करनी चाहिए मतलब तुमको पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए।
घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म। बोलता है तौबा और शर्म मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा बोला। आप क्या चाहते हैं? अफगान शाह, आपके देश में आपके मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? बोला कि क्या आपके मुल्क मतलब देश में मोहब्बत करने और जान देने वालों को पश्चाताप करना पड़ता है, क्या उसको सर नीचा करना पड़ता है? ऐसा इब्राहिम ने अब्दाली से प्रश्न किया। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। अब उसकी ये इब्राहिम गादी की बात सुनकर अहमद शाह अब्दाली को और भी गुस्सा आया और उसने कहा कि ए तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, अभी तुम किसके सामने खड़े हो? बड़ी ही कठोर आवाज में उसने कहा। तो इब्राहिम ने क्या कहा? जानता हूँ और ना जानता होता तो भी जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। उसने बोला कि आप जो भी हैं लेकिन आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। इब्राहिम ने उसे कहा कि मैं इतना घायल हूँ, इतने युद्ध हो चुका, इतना लड़ाई होगी, फिर भी मैं गुस्से को अपने करीब नहीं आने देना चाहता हूँ और एक मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को किस तरह पूरी तरह बिगाड़ लिया। तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं। ऐसा किसने कहा? इब्राहिम गादी ने। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं हो सकता। और ऐसा ही अब्दाली ने किया था, इसलिए गादी उसे समझा रहा था। मुझको मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? अब अब्दाली ने उससे पूछा, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? तो इब्राहिम ने कहा, हमेशा पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जवान में नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम के घाव की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फारसी या पश्तो जवान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या खुदा राम नहीं है और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? तो इब्राहिम ने अपनी घाव की पीड़ा को दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फारसी या पश्तो की जबान को नहीं समझता है क्या? बोला, मैं कोई भी जबान जानता हूँ, कोई भी भाषा जानता हूँ, तो क्या मेरी भाषा को खुदा नहीं समझता है? वह मराठी हो या फारसी हो, क्या वह भगवान नहीं समझता है? वह खुदा राम है, राम नहीं है तो क्या रहीम, क्या तो क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? ऐसा उसने अब्दाली से पूछा। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है, मतलब क्या बकवास बातें करते हो तुम? तौबा करो, मतलब माफी मांगो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे? अब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मेरी रूह आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते हो और मेरी आत्मा के टुकड़े हो भी नहीं सकते हैं। इब्राहिम ने शांत किंतु बड़े ही शांति भरे स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में नौकरी भी देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। बोलता है कि अगर तुम माफी मांग लोगे तो हम तुमको अपनी सेना में नौकरी भी देंगे, तुम कुछ अंग्रेजों के लिए दस्ते तैयार करना। ऐसा अब्दाली ने उसको प्रलोभन दिया। कराह को दबाते हुए, अर्थात अपनी पीड़ा को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी सी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमान को निकालूं जिसको निकाल ना पाया और जो मेरे सीने में धड़क रही। तब इब्राहिम गांधी ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं यहाँ से तुम्हारी कस्टडी से अगर छूट जाऊंगा, अर्थात तुम्हारी कैद से अगर मैं अगर छूट गया तो मैं पूना जाके फिर से अपनी सेना तैयार करूंगा और अपनी सेना के साथ मिलकर फिर से युद्ध करूंगा तुमसे, और जो मैंने उस युद्ध में गंवाया है, जो जीत मैंने हासिल नहीं कर पाया था, उस जीत को हासिल करने के लिए मैं दोबारा तुमसे फिर युद्ध करूंगा। अब समझ में आया तुम असल में बुत परस्त हो। अब अब्दाली ने क्या कहा कि हाँ अब समझ में आया कि तुम बुत परस्त हो, तुम मूर्ति पूजा करने वाले हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है,
जिन भूतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। उनने कहा कि हाँ, मैं ऐसे भूत को पूजता हूँ, ऐसे मूर्ति को पूजता हूँ जो मेरे दिल में बसा हुआ है और जिसका जो बहुत मीठा है, जो बहुत मीठे स्वरूप में बसा हुआ है, ऐसे ईश्वर को मैं पूजता हूँ। तुम्हारी तरह ऐसे भूत को नहीं पूजता जिसको तुम जानते भी नहीं। हम भी खबरदार, तब गुस्से में, अब उसको और गुस्सा आता है अब्दाली को जब गांधी उसके उसे इस प्रकार की बातें बोलता है। तो हाँ, आप भी हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वो भूत परस्ती नहीं? तो यहाँ पर गांधी उनको कहता है कि जो तुम्हारे सैनिक पठान है, वो लोग इतने सैनिकों के जो मरे हुए शव पड़े हैं, उन सैनिकों के शव के अगल बगल चारों ओर गोल गोल घूम कर जो नाच रहे हैं, तो क्या ये इनको बुत परस्ती नहीं कहोगे? तुम बदजुबान भी हो, अर्थात तुम बदतमीज भी हो, ऐसा अब्दाली ने कहा। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनको क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट दिया गया। जो इब्राहिम गांधी के साथी थे सदाशिव राव, उनको भी मार दिया गया था, जिसकी खबर पहले इब्राहिम को नहीं थी, जिसे अब्दाली अभी बताता है। तो उसे सुनकर इब्राहिम गांधी जो है बड़ी दुखी हो जाते हैं और दुख होकर के कहते हैं उफ। घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और दोनों हाथों को सर से थाम कर वह दुखी होने लगे। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची। अब अब्दाली को लगा कि अरे, ये अपने साथी की मृत्यु पर बड़ा ही दुखी है, तो उसको बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होता है वो। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। और अब्दाली उसको बताता है कि तुम्हारा एक और साथी था विश्वास राव, उसको भी हमने मार दिया है। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। जब उसने दूसरे साथी की मरने की खबर सुनी तो उसकी आंखों के सामने दुख का और भी घना अंधेरा छाने लगा। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज, उफ। उसने कहा, विश्वास राव को भी तुमने मार दिया, अर्थात तुम कितने गिर गए हो इब्राहिम। और सॉरी, इब्राहिम उसे कहता है कि तुम कितने गिरे हुए हो और तुमने उसे मार दिया है। और इस प्रकार कहते हुए इब्राहिम नीचे बेहोशी की अवस्था में गिर पड़ता है। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न है। वह दुखी होकर जब इब्राहिम गिर जाता है तो उसकी इस दुखद अवस्था को देखकर अब्दाली जो था वो बहुत ही प्रसन्न होता है। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। उसकी निर्ममता लगता है उसे कि मैंने अपनी शहीदी को जीत लिया है। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। इब्राहिम को अब पानी की प्यास लगी थी, उसने पानी मांगा। अब्दाली ने कड़क कर कहा, पहले तौबा कर, अर्थात पहले माफी मांग, तब तुझे पानी मिलेगा। तो इब्राहिम ने कहा, तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्तों का कत्ल करते हैं। बोला कि माफी मैं क्यों मांगू, मैंने क्या गलती की है? जो गलती करते हैं वही माफी मांगते हैं, अर्थात जो निहत्ते, घायलों और कैदियों का कत्ल करते हैं वही लोग माफी मांगने के लायक होते हैं, जैसा कि तुमने, अर्थात अब्दाली ने किया है। अब्दाली से नहीं सहा गया, इब्राहिम से भी सहा नहीं पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करने, वध करने की आज्ञा दे दी। एक अंग काटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर छीण स्वर में बोला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे। और जब उसके एक एक अंग इब्राहिम के कटने लगे और पहला अंग जब कटा, तब उसके चीख से निकला, मेरी ईमान पर पहली नियाज, अर्थात बोला कि मेरी ये बोला कि मेरी ईमानदारी से मैं मर रहा हूं, यही मेरी इच्छा थी और यही मेरी इच्छा पूरी हुई। दूसरे पर छीण स्वर में बोला, दूसरी चीख निकली तो बोला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे ही सूरमा पैदा होंगे, बोला, जो वैशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। बोला अब्दाली से कि एक दिन देखना, हम ऐसे ही तुम्हारे जैसे वैशियों और जालिमों का नामो निशान मिटाने के लिए इस मिट्टी पर फिर से पैदा होंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गांधी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। और अंत में मरते समय उसने सिर्फ अल्लाह को याद किया, अल्लाह की पुकार की और उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार इब्राहिम गांधी ने मरते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया, अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादारी की और शहीद हो गया। थैंक यू।